नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, आजकल अपने लगभग हर फसल की बिजाई के समय डीएपी खाद या एसएसपी खाद का प्रयोग करते हैं। डीएपी या एसएसपी का सही से प्रयोग नहीं करने पर केवल 10% ही मात्रा पौधों को मिलती है। तो अपने जानेंगे कि बाकी बची हुई डीएपी या एसएसपी की मात्रा कहाँ जाती है, और साथ में जानेंगे कि डीएपी या एसएसपी खेत में क्यों प्रयोग करते हैं और यह क्या काम करती है, और खड़ी फसल में कमी होने पर कब प्रयोग करनी चाहिए। इसके अलावा आजकल कहीं कहीं शिकायतें यह भी आती हैं कि डीएपी या एसएसपी की खाद मार्केट में नकली आने लगी है, और साथ में इसी वीडियो में जानेंगे कि अगर असली डीएपी या एसएसपी के पहचान कैसे करें। यह पहचान किसान भाई घर पर बैठे भी कर सकते हैं, या जब आप डीएपी खरीदने जाते हैं तब भी आप दुकान पर कर सकते हैं। तो किसान भाई, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और साथ में वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ भी अवश्य शेयर करें ताकि वह भी सही समय पर असली और नकली खाद की पहचान कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले अपने जानते हैं कि डीएपी या एसएसपी खाद फसलों के लिए क्यों जरूरी है। डीएपी में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें सल्फर नहीं पाई जाती, और एसएसपी में सल्फर और फास्फोरस पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। सल्फर और फास्फोरस तिलहनी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह तेल की मात्रा बढ़ाने, दाने की क्वालिटी या चमक बढ़ाने या दाने का आकार बढ़ाने के काम करती है, और डीएपी में नाइट्रोजन होने से फसल को कम यूरिया देनी पड़ती है। यह पानी में धीरे धीरे घुलती है, तो लंबे समय तक पौधों को न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि किसान भाई डीएपी एसएसपी खाद की नकली है या असली है की पहचान कैसे करें। किसान भाई डीएपी के कुछ दानों को हाथ में लेकर तंबाकू की तरह चूने के साथ मिलाते हैं तो तेज बदबू आती है, जिसे सूंघना मुश्किल होता है। ऐसा होने पर डीएपी असली है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह डीएपी नकली है। और इसके अलावा दूसरा तरीका है कि डीएपी दानेदार व भूरे और काले रंग की होती है। अगर इसे नाखूनों से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आसानी से नहीं टूटती है, और अगर आसानी से टूट जाए तो ये खाद बिल्कुल नकली है। तो ऐसे भाई डीएपी और एसएसपी खाद की पहचान कर सकते हैं, असली है या नकली खाद की पहचान आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं कि इनकी कमी होने पर पौधे में क्या फ़र्क पड़ता है, या अगर अपने ये खेत में प्रयोग ना करें तो पौधे में क्या कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा अगर अपने यदि अपने बुआई के समय डीएपी या एसएसपी की मात्रा नहीं देते हैं तो पौधे में फूल और फल दोनों बनने की प्रक्रिया धीरे हो जाती है। बीजों को अंकुरण के समय पोषक तत्व नहीं मिलने से अंकुरण कम होता है, और इससे पौधों की वृद्धि में भी असर देखने को मिलता है। इन सब कारणों से बचने के लिए किसान भाई बुआई के समय या फिर खड़ी फसल में डीएपी का या एसएसपी का प्रयोग जरूर करें। अगर आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो बिजाई के समय ही करें, और अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका बिजाई के समय वह बाद में खड़ी फसल में पहली सिंचाई देने के बाद यूरिया के साथ कुछ मात्रा में मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगने पर किसान साथियों के साथ भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।